हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा, खास करके न्यू यूट्यूबर के बारे में। फ्रेंड्स क्या करते हैं, फ्रेंड्स लोग न्यू यूट्यूबर आते हैं, चैनल को माने सब्सक्राइब कर लेते हैं, बोलते हैं कि मैंने आपको सब्सक्राइब कर लिया है, आप भी आए। तो प्लीज ऐसी कॉमेंट न करे, क्योंकि इससे ना आपको फायदा होगा न हमें, दोनों का अन हो जाता। फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर दिए हैं, आप उनको LTR देते रहे, मैं 24 आवर्स के बाद निश्चित ही डिफिनेट दूंगा। सिर्फ आप हमें कमेंट करते रहे, प्लीज आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। हाय फ्रेंड्स, आज हम जीके में लेकर आए हैं समाधि स्थल। फ्रेंड्स समाधि स्थल उस व्यक्ति की बात करेंगे जो आज हमारे बीच नहीं है, फिर भी आज उसे हम भगवान के रूप में देखते हैं, यानी कि वह आज हमारे बीच नहीं है, यानी मरकर हुए अमर हो गए हैं। उन्हीं में से फ्रेंड्स वाला है राजघाट। वाला है राजघाट। राजघाट एक ऐसे व्यक्ति की समाधि स्थल है जो हर घर में है, हर किसी के पर्स में है, हर जेब में है, हर बैंक में है। उस व्यक्ति का नाम है महात्मा गांधी। फ्रेंड्स वो हमारे राष्ट्रपिता हैं, वो हमारे भारतीय मुद्रा में उनका छाप है, उनका पोस्टर है, इसीलिए कहता हूँ कि वो हर घर घर में है, हर बैंक में, हर किसी के पर्स में है, हर किसी के पॉकेट में है। फ्रेंड्स यह राजघाट हमारे MK गांधी जी को यहाँ उन्हें समाधि स्थल बनाया गया, राजघाट जो दिल्ली में है। यह है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जो किसी पद पर नहीं थे, फिर भी वह राष्ट्रपिता कहलाए, उन्होंने ऐसी छाप छोड़ दी, ऐसी कर्म किए। दूसरा है वीरभूमि, यह हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। अब है शांतिवन। फ्रेंड्स यह शांतिवन किस व्यक्ति समाज स्थल है, यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू से, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब अगला है महाप्रयाण घाट। दोस्तों यह हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति जी के समाधि स्थल का नाम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब है विजय घाट। फ्रेंड्स यह हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, दूसरे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। अब है नारायण घाट। दोस्तों यह है गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल का नाम है। अब अगला है शक्ति स्थल। फ्रेंड्स यह भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री की समाधि स्थल का नाम है, इसका नाम इंदिरा गांधी। यह अपने समय में बहुत पावरफुल प्रधानमंत्री थी। अब है समता स्थल, यह है हमारे जगजीवन राम की समाधि स्थल का नाम है। अब है अभय घाट, यह है मोरारजी देसाई से संबंध है। प्रेस अब है चैत्राभूमि संबंध है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से, जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। अब अगला है किसान घाट। फ्रेंड्स किसान घाट संबंध या किसका संबंधित है, चौधरी चरण सिंह, जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके थे, चौधरी चरण सिंह। अब है बारे में एकता स्थल, यह ज्ञानी जैल सिंह, जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ज्ञानी जैल सिंह। अब है उदय भूमि, यह के आर नारायण, जो हमारे उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने। अब है कर्म भूमि, यह डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा से, यह संबंध है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके थे। फ्रेंड्स आज हमने जाना
व्यक्तियों से, महान व्यक्तियों के जो आज हमारे बीच नहीं है, फिर भी हम युवा युग का नाम लेंगे, आने वाली पीढ़ी भी उनका नाम लेंगे, वही मैंने उन्हीं का थोड़ा समाधि उन्हीं के समाज स्तर पर थोड़ी सी चर्चा थी। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ जो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल में पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखेंगे, धन्यवाद।